हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ लिया है। जो प्रेपोजिशन होती है वो तीन चीज़ों को बताती हैं, किसी डायरेक्शन को, किसी टाइम को और किसी प्लेस को बताती हैं। तो दोस्तों, हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी पढ़ लिए हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी पढ़ लिए हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी पढ़ लिए हैं। आज से हम क्या शुरू करेंगे दोस्तों, जो प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे ऑन, इट, फ्रॉम, ये सारे जो प्रेपोजिशंस होते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं, कईयों में डिफरेंस जैसे कि ओवर, अबोव में क्या डिफरेंस है, ऑन का क्या यूजेस है, टू का यूज़ कहाँ होता है, हम ऐसे पढ़ेंगे। तो आज हमारा डे फर्स्ट है और आज हम डे वन में क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ऑन पढ़ेंगे। सिर्फ आज हम एक ही प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर मतलब ऑन का यूज़ जहाँ जहाँ होता है सब कुछ पढ़ेंगे ऑन के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑन का मतलब होता है, मतलब देखो, जब भी आप इनको समझो तो हिंदी में लेके मत समझना। जैसे ऑन को हिंदी में पर कहते हैं, अगर कहीं भी हिंदी में पर आ गया तो इंग्लिश में हम यूज़ कर देंगे ऑन। नहीं, प्रेपोजिशंस जो हैं उनको इंग्लिश में ही उनको समझने की कोशिश करो, उनका कंसेप्ट समझो, ठीक है। जो ऑन होता है उसका यूज़ हम सरफेस को दिखाने के लिए करते हैं। किसको? सरफेस को, धरातल को दिखाने के लिए। जैसे कि मान लो मेरा हाथ है, हाथ मतलब एक धरातल है, इसके ऊपर ये पेन रखा है, तो द पेन इज ऑन द हैंड, द पेन इज ऑन द हैंड। तो सरफेस मैंने किसको दिखाया, ऑन द हैंड, किस पर है ये, उस पर है, हाथ पर है, तो मैंने एक सरफेस को दिखाया, धरातल को दिखाया, ठीक है। तो सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन का भी यूज़ करते हैं। जैसे द नोटबुक इज ऑन द टेबल, जो नोटबुक है वो मेज पर है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक मेज है, मेज के ऊपर ऐसे नोटबुक है, एक तो वो टच है मतलब कॉन्टैक्ट में है, टच है, और दूसरा क्या है, किसी सरफेस को दिखा रहे कि जो नोटबुक है वो किस पर है, टेबल पर है, किसी धरातल को बता रहे हैं। तो उसमें हम दोस्तों यूज़ करेंगे ऑन का, ठीक है। मान लो ये पेन ऐसे होता तब भी ऊपर ही था और तब भी ऐसी है, पर डिफरेंस क्या है, जब बिल्कुल इस किसी चीज़ के ऊपर हो, धरातल बिल धरातल पर होना, जब हम यूज़ करेंगे ऑन का, ठीक है। सेकेंड है ही इज़ ऑन द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऑन का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ धरातल के ऊपर हो, तो इसका मतलब कोई लड़का है वह बस स्टॉप है उसके ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है। हम कहते हैं कि देखो वह बस स्टॉप पर है, तो हमारा कहने का मतलब क्या होता है, जैसा आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा वो उसके ऊपर मतलब बस के ऊपर नहीं खड़ा होता, स्टेशन पर खड़ा होता है, जहाँ बस मतलब जहाँ बस रुकती है, जहाँ से चढ़ते हैं तो स्टेशन पर रुका होता है, वो बस के ऊपर नहीं होता। तो यहाँ हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। ऑन का यूज़ कब होगा, जब कोई चीज़ धरातल के ऊपर होगी, तो इसका मतलब ये बस स्टॉप के ऊपर है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बस स्टॉप पर है, बस स्टॉप पर है, वो मतलब कि जो बस जा रुकती है बस वहाँ स्टेशन पर खड़ा है, तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रही थी कि ऑन को पर, हिंदी में पर कहते हैं, लेकर मत चलना। क्यों? क्योंकि आपने कहा वह बस स्टॉप पर है, पर मतलब ऑन, और आप यूज़ कर दोगे ऑन का, पर नहीं। ऑन के भी यूजेज होते हैं, कंसेप्ट होता है इसका कि ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे ऑन का यूज़ हम डेज और डेट्स में भी करते हैं, हमें दिन मतलब सप्ताह के बारे में बताना हो या तारीखों के बारे में बताना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑन का। जैसे कि मंडे फ्राइडे, मैं तुमसे मंडे को मिलूँगी या मैं तुमसे फ्राइडे को मिलूँगी, तो मैं ऑन फ्राइडे या ऑन मंडे का यूज़ कर सकती हूँ। डेट्स, मैं तुमसे 15 तारीख को मिलूँगी, वे मेरे घर पर 22 तारीख को आएंगे, तो हम यूज़ करेंगे ऑन 22, ऑन 15, ठीक है। जैसे माई बर्थडे इज़ ऑन 16 अगस्त, जो मेरा बर्थडे जन्मदिन है वो 16 अगस्त का है। 16 मतलब एक तारीख बता रहे हैं ना, 16 अगस्त। हम पूछते ना कि आपका बर्थडे कितनी तारीख का है, हमने 16 तारीख का है, तो इसमें डेट बता रहे हैं, तो हमने किसका यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल, दे मेट मी ऑन संडे, वे मुझसे संडे को मिलेंगे, कब मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, तो संडे तो एक सप्ताह है, दिन है, तो उसमें भी हम यूज़ करेंगे ऑन का, जैसे कि हमने कर रखा है, ठीक है। हमने दो यूजेस मतलब कहाँ कहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं पढ़ लिया है, और हम आगे के पढ़ेंगे। आगे के देखो दोस्तों,
दोस्तों शुरू करते हैं ओन का थर्ड यूजेज। थर्ड क्या है? ये बॉडीज पार्ट्स, मतलब कि शरीर के भागों को, अंगों को, बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए भी हम ओन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा माथा हो गया, आँख हो गई, नाक, कान और ये लेग्स, टांगे, हाथ, इन चीज़ों को, उंगलियों को, इनको दिखाने के लिए भी हम, ये बॉडीज के पार्ट ही तो हैं, भाग है ना ये, तो इनको भी दिखाने के लिए ओन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि माय मदर किस्ड मी ओन फोरहेड, मेरी माता जी ने मुझे माथे पर किस किया। जैसे आपको इसकी पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा, मेरी माता जी ने मुझे कहाँ किस किया था? माथे पर। देखो ये जो प्रेपोजिशन होती है ये किसी स्थान को बता रहे हैं ना, मतलब कि सरफेस को। मेरी माता जी ने मुझे माथे पर किस किया। कहाँ पर? माथे पर, तो किस सरफेस को बता रहे हैं, किसी जगह को बता रहे हैं। ठीक है, तो जिस पे भी था हमने ओन लगा दिया। ओके, द समोसा फेल ऑन माई हैंड, जो समोसा है वो मेरे हाथ पर गिर गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, हाथ पर गिर गया ना, हाथ एक बॉडी का पार्ट है जिसके साथ हमने ओन का यूज़ कर दिया। किसी भी मशीन या डिवाइस, मतलब किसी मशीन को या यंत्र को दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, फ़ोन, इनको दिखाने के लिए या हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे शी इज़ ऑन द फ़ोन, वह फ़ोन पर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन है फ़ोन के ऊपर वो है, नहीं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम यंत्र को दिखाने के लिए, और एक फ़ोन एक यंत्र है, एक डिवाइस है, तो इसको दिखाने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ऑन का यूज़ कर सकते हैं। बस स्टॉप कोई यंत्र नहीं है, ठीक है, ये तो एक स्टेशन का नाम, स्टेशन हो गया ना ये एक, तो यहाँ हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। पर हमें ये तो पता है कि यंत्र के साथ भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं, किसी डिवाइस या मशीन के साथ भी। तो वह फ़ोन पर है, किस पर है? वो फ़ोन पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन के ऊपर है, फ़ोन पर बात कर रहा है, जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, शी इज़ ऑन द फोन, में फ़ोन पर है, तो हमने फ़ोन के साथ एक डिवाइस है, डिवाइस के साथ हमने ओन का यूज़ कर दिया है। जो भी मैंने लिख रखे हैं ना, उनके साथ ओन का यूज़ होगा, जैसे बॉडी के पार्ट्स के साथ, जब भी हम बॉडी के पार्ट की बात करें तब हम ओन का यूज़ करेंगे, या मशीन या डिवाइस की बात करें तो उसके साथ ओन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग अ मैच, मैं मैच देख रही थी या देख रहा था, किस पर? टेलीविज़न पर। टेलीविज़न अब थोड़ा ऐसे थोड़ा ना था, टेलीविज़न के ऊपर मैच देख रही थी, नहीं, टेलीविज़न चल रहा था और मैं मैच देख रही थी, तो किस पर देख रही थी? टेलीविज़न पर, एक डिवाइस है, यंत्र है, तो हमने वो यूज़ कर दिया ओन का। समझ में आया? अब हमारा लास्ट यूजेज पड़ा है कि बचा है ओन का यूज़ हम कैसे करते हैं, एक और मैं आपको बस बता देती हूँ। देखो दोस्तों, ओन का यूज़ एक और होता है स्टेट, अवस्था को दिखाने के लिए, कोई चीज़ किस स्टेट में है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बेड रेस्ट पर, मतलब मुझे अब आराम करने की ज़रूरत है, मैं आराम पर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ, मतलब आराम ये रहा मैं उसके ऊपर हूँ, नहीं, मतलब किसी स्टेट को, किसी अवस्था को बताते हैं ये। ठीक है, तो अब हम इसका जो ओन है उसका एक बार पांचवा यूजेज एग्जांपल के साथ देख ही लेते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं जो ओन है उसका फिफ्थ यूज। फिफ्थ यूज क्या है? स्टेट, मतलब अवस्था। जो ओन होता है वो किसी अवस्था को बताता है, कोई काम किस अवस्था में है। जैसे कि मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, मैंगो जूस जो है, मतलब आम का जूस, सबको इतना पसंद आ रहा है कि वो अब सबके डिमांड पर है। हम कहते हैं कि आम का जूस गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, आम का जूस, तो आम का जूस सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, अब वो डिमांड पर चल रहा है, लोगों की डिमांड है उन्हें मैंगो जूस मिले, आम का जूस मिले, तो मैंगो जूस डिमांड पर है। उसका स्टेट कैसा, अवस्था कैसी है? डिमांड पर है ना, तो जो भी स्टेट है उसके साथ हम ओन का यूज कर देंगे। ठीक है, देखा करो कि वो किस अवस्था में हो रहा है कोई काम या किसी भी चीज की अवस्था कैसी है। जैसे कि ही इज ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days, वो 2 दिन से आराम पर है, मतलब कि उसकी तबीयत खराब है तो वो मतलब आराम कर रहा है, तो 2 दिन हो गए वह आराम पर है, बेड रेस्ट पर है, मतलब कि आराम पर है। इसके कहने का मतलब क्या है कि उसकी अवस्था कैसी है, अब वो आराम कर रहा है, उसकी आराम पर है। ठीक है, वो 2 दिन मतलब तबीयत खराब है उसके, 2 दिन से वो बेड पर लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, तो अब इसकी जो अवस्था है वो आराम पर है, तो जिसके जैसी भी अवस्था उसके साथ हम लगा देंगे ओन। ठीक है, यही थे 5 यूजेस।
हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किसी भी धरातल को दिखाने के लिए, डेज दिनों या तारीखों को दिखाने के लिए डेट्स को, मशीनों को यंत्रों को या डिवाइस यंत्रों को मशीनों को दिखाने के लिए, बॉडी के पार्ट्स को दिखाने के लिए, शरीर के अंगों भागों को दिखाने के लिए, और एक और क्या है, स्टेट अवस्था को दिखाने के लिए, कोई चीज़ कैसी अवस्था में कैसी स्टेट में है उन्हें दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का। कुछ प्रैक्टिस है, जैसे कि ये रही डैश फ्राइडे डैश मई डैश डिमांड डैश फोन डैश 2009-15, इसमें से आपको कुछ ये सारे सारे आपको सॉल्व करने, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताने, इसमें से कुछ गलत भी हैं तो आप उनको सॉल्व मत करो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि ये ऐसे इसके अंदर है एक, हाँ ये रहा 2009, तो ये तो गलत है, मई गलत है क्योंकि ये तो एक महीने का नाम हो गया और एक साल हो गया 2009, साल हो गए और एक महीने का नाम हो गया, तो यहाँ तो लगेगा नहीं ऑन, तो जिसमें नहीं लगेगा उसे छोड़ दो। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी, आज हमने ऑन का यूजेस पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।